नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज दर्शन। आज 9/11 की बरसी और 9/11 की बरसी पर पूरा अमेरिका रो रहा है। पूरे अमेरिका में उस आतंकी हमले की यादें ताजा हो रही हैं, जिस आतंकी हमले में 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका जैसा देश भी आतंकवादियों के हमले से बच नहीं पाया। वो अमेरिका जिसके पास अभूतपूर्व ताकत है, दौलत है, हथियार है, टेक्नोलॉजी नंबर एक की है, वो भी अमेरिका आतंकवादियों के हमले से बच नहीं पाया। ऐसे हमले भारत में कई बार हो चुके हैं, लेकिन उन हमलों पर अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश कभी भी आवाज नहीं उठाए। जब खुद पर पड़ी तब उनकी चीखें निकल गई। आज हम आपको दिखाते हैं भारत का वो दर्द जिसको अमेरिका ने भी जाना और पहचाना और ब्रिटेन की भी सांसें थमी। चलिए अब आपको बताते हैं पूरी खबर। आप सब लोग करते हैं खबर को आप शेयर करें। 9/11 से पहले आतंकवाद को लेकर भारत की चेतावनी को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती थी। अलकायदा के उस हमले ने न सिर्फ दुनिया की राय बदली बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का रुख भी मोड़ दिया। उस दिन जब ट्विन टावर्स मलबे का ढेर बन गए तब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ियां जोड़ना शुरू की। उन्हें शक था कि करीब 2 साल पहले कंधार में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरण कहीं 11 सितंबर 2001 के हमले का ट्रायल रन तो नहीं था। 2 दशक बाद यह सब तथ्य में बदल चुका है। 20 साल पहले न्यूयॉर्क में हुए उस हमले का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। 9/11 ने आतंकवाद की परिभाषा बदल दी। कई देशों की किस्मत ने अलग मोड़ ले लिया। कुछ ने विदेशी नीति तक बदल डाली। दुनिया के कई हिस्सों का मानचित्र बदल गया। भारत पर उन हमलों का खासा असर पड़ा। उस हमले की गूंज रह रहकर भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा नीतियों में गूंजती रही। 9/11 के बाद पाकिस्तान बना आतंकवादियों का ब्रीडिंग ग्राउंड। 9/11 का जिम्मेदार अलकायदा था, मगर उसने पाकिस्तान को नई रणनीति का ब्लूप्रिंट दे दिया। उसकी धरती से आतंकवादी समूहों की ऐसी पौध पनपने लगी जिसने आने वाले सालों में भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि हर बार नतीजे वैसे नहीं रहे जैसे पाकिस्तान ने चाहे थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर अक्टूबर 2001 में हमला हुआ, मगर अगले महीने दुस्साहस की सीमा पार कर दी गई जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम से जवाब दिया। पाकिस्तान सीमा पर हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी गई। पाकिस्तान को आनन में अफगान सीमा से हटाकर भारतीय सीमा पर फौज तैनात करनी पड़ी। अगले छह महीने दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर रहा। भारत को मिली जवाब देने की छूट। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की बहुत कोशिश की। नतीजा जून 2002 में दिखा। तो जनरल परवेज मुशर्रफ सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने को तैयार हो गए। संघर्ष विराम की यही शर्त रखी गई थी। 9/11 के बाद से ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर बातचीत में जबरदस्त बदलाव आया। भारत इससे अछूता नहीं था। पूरी दुनिया अब भारत को संयम का पाठ पढ़ाना छोड़ चुकी थी। बुश प्रशासन ने इस्लामाबाद से साफ कह दिया था भारत आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने के अपने अधिकार के भीतर है। अब भारत की लड़ाई पर ब्रेक केवल संसाधनों की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से लग सकता था। अंतर्राष्ट्रीय दशक दबाव में नहीं, तारीखें बदलती रहीं, आतंक का शिकार बनता रहा भारत। आतंकवाद की भारतीय परिभाषा को पाकिस्तान भारत के दुश्मनी के चश्मे से देखना बंद हो गया। भारत को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में साझेदार मान लिया गया। हमने कलकत्ता के अमेरिकन सेंटर पर आतंकी हमला देखा, गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर देखा हमला देखा, मुंबई 2002, 2003, दिल्ली 2005, IISC बंगलोर 2005, बनारस 2006 में भी हमले हुए। फिर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और बेंगलोर में योजनाबद्ध ढंग से बम धमाकों को अंजाम दिया गया। फिर नवंबर 2008 में भारत ने 9/11 जैसा आतंकी हमला किया। तब मुंबई में कई जगहों पर लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने जमकर खून बहाया। जब भारत ने बदला रवैया तो दुनिया आई साथ। 2014 के बाद हमलों में और तेजी आई। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की योजना भारत के भीतर ही भी आतंकी तैयार करने की थी। आतंकियों के बीच यह सोच पैदा बैठा दी गई सुरक्षा बलों पर हमला आतंकी कृत्य नहीं है। 9/11 के करीब 1 दशक बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद के कड़ाई से जवाब देना शुरू किया। 2015 के बाद से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर लड़ना शुरू किया। भारत अपनी रणनीति बदल चुका था। उनमें से 2 का जिक्र जरूरी है। 2011-2012 के बीच पाकिस्तान ने अपना परमाणु हथियार नक्शा सामने रखा।
भारत ने संकेत दिया कि अगर छोटा सा भी हमला हुआ तो वह बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करेगा। दूसरा मौका 2016 में आया, पुरी में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले के बाद भारत ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। उसी साल की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने बार बार कहा जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद की समस्या है और दुनिया ने उस पर ध्यान दे दिया है। अमेरिका करीबी बन चुका है भारत, जहाँ बड़ी तस्वीरें देखें तो 9/11 ने भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के रुख में भी बदलाव किया। कारगिल के बाद इसकी शुरुआत हो चुकी थी मगर रफ्तार 9/11 के बाद पकड़ी। 2003 में अमेरिका ने पाकिस्तान को गैर नाटो देशों में प्रमुख सहयोगी बनाना शुरू किया, लेकिन भारत के साथ भी उसकी नजदीकियाँ बढ़ती जा रही थी। 2008 में दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता होने तक पॉलिसी काफी क्लियर हो चुकी थी। विदेश नीति के इतिहास से देखें तो अफगानिस्तान में 20 साल तक भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा, वह विकास में प्रमुख साझेदार था। पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को खत्म करता जा रहा था, तालिबान की वापसी के साथ ही वह अवसर मिट्टी में मिल गया। इन 20 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह बदल गए। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को आज 20 साल पूरे हो गए। 2001 यानी 20 साल पहले आज के दिन अमेरिका आतंकी हमलों से डर रहा था। 11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, इसमें 2,996 लोगों की जान ले ली। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस घटना को अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया। 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी भूला नहीं, जब रोज की तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी करीब 18,000 कर्मचारी रोजमर्रा का काम निपटाने में जुटे थे। लेकिन सुबह 8:46 पर कुछ ऐसा हुआ कि अब तक सामान्य सी मालूम पड़ रही या सुबह खौफनाक होगी। 9/11 की वो घटना जिसे जहर गई दुनिया। उस दिन 19 अलकायदा के आतंकवादियों ने 4 पैसेंजर एयरक्राफ्ट हाईजेक किए थे और जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिए गए, जिससे विमानों पर सवार सभी लोग, बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले हजारों लोग भी मारे गए। हमला जिन विमानों से किया गया था उनकी रफ्तार 987.6 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। दोनों इमारतें 2 घंटे के अंदर ढह गए, 5 इमारतें नष्ट हो गई, अन्य क्षतिग्रस्त हुई। इसके बाद उन्होंने तीसरे विमान को वाशिंगटन डीसी के बाहर अर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन में टकरा दिया। वाशिंगटन डीसी की ओर टारगेट किए गए चौथे विमान के कुछ यात्रियों और उड़ान चालक दल द्वारा विमान का नियंत्रण फिर से लेने के प्रयास के बाद विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में शख्स विले के पास एक खेत में क्रैश होकर गिर गया। हालांकि किसी भी उड़ान से कोई भी जीवित बच नहीं पाया। 2 घंटे में मलबे के ढेर में बदल गया ट्विन टावर। इस खौफनाक आतंकी हमले में 2,996 लोगों की जान चली गई, जिनमें 400 पुलिस अफसर फायर फाइटर भी शामिल थे। मरने वालों में 57 देशों के लोग शामिल थे। पूरी इमारत करीब 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गई थी। मारे गए लोगों में केवल 291 की पहचान हो पाई थी। गौरतलब है कि इस हमले के बाद भारतीय व्यापारियों ने हजारों टन मलबे को करीब 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इनमें से निकले लोहा और स्टील को रिसाइकल कर नई इमारतों में इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने लिया अपने नागरिकों के खून का पता। इस दर्दनाक हमले के पीछे अलकायदा प्रमुख असामा बिन लादेन का हाथ था। फिर अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एटाबाद में असामा बिन लादेन को मार गिराया था। अगर इसमें पूरे 10 साल लगे थे, 13 सालों के बाद वही नई इमारत काम करने के लिए खोल दी गई। इधर ग्राउंड जीरो पर 8 साल में बनी 104 मंजिला की इमारत कैंटोनमेंट को हिंदुस्तान के 1 वर्ष के अंदर साफ कर दिया गया था और उसकी मरम्मत कर दी गई। बिल्डिंग के बगल में पेंटागन स्मारक बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ध्वस्त इमारतों की जगह ग्राउंड जीरो पर बनी नई इमारत 104 मंजिल की है। ये इमारत न्यूयॉर्क या मैनहट्टन की नहीं बल्कि अमेरिकन सबसे ऊंची इमारतों में शुमार है। इसका नाम वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिया गया। इस गगनचुंबी इमारत को फिर से बनाने में 8 साल लग गए। तो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था। इस हमले से जब अमेरिका नहीं बच पाया तो कई देश कैसे बच सकते थे। भारत कई बार ही हमला झेल चुका है, भारत भुगत चुका है। आज भारत दर्द को अमेरिका भी पहचानता है, ब्रिटेन भी पहचानता है।
अगर आप भी दुनिया के आंखें ना खुले, दुनिया को कोई बता नहीं सकता कि अब तो तालिबान राजा आ गया है, पूरा पूरा देश एक आतंकवादी देश।